आप अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से आप अपना खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट बना करके काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट मैं सीरीज में आपको आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये पहला पार्ट होने वाला है। इसके बाद पार्ट बाय पार्ट करके मैं कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना खुद का वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं और 50,000 रुपये से भी ज़्यादा आप महीने का अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे ही। कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस उसमें वेबसाइट में आपको आर्टिकल लिखना है और मोनेटाइज करवाना है और उससे पैसा कमाना स्टार्ट कर देना है। किस तरह से बनाना है वेबसाइट आपको मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कर सकते हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर वहाँ चल करके सीखते हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। किसी भी ब्राउज़र में आप कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र में या फिर फायरबॉक्स में, मोज़िला में, किसी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है, सर्च करना है आपको blogger.com आपको सर्च करना है, एंटर प्रेस करना है। आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। मैं पहले से एक दूसरे टैब में खोल करके मैं किया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, क्रिएट योर ब्लॉग, यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे। दोनों प्रोसेस सेम होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आएंगे ना आप यहाँ पे, तो इसी तरह का पेज आपको दिखाई देगा, फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, जो कि गूगल अकाउंट में जब हम जीमेल आईडी बनाते हैं तो किसी एक ईमेल आईडी से, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ईमेल आईडी है मेरे, तो यहाँ पर किसी एक ईमेल से आपको लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन कर जाएंगे तब आप मेन डैशबोर्ड में जा कर के पहुँचेंगे। वहाँ पर आपको क्रिएट करना है कैसे, जैसे मैं इस जीमेल पर लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड अपना डालता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आप इस पेज पे आएंगे तो इसी तरह का प्रोसेस होगा आपका। देखिए यहाँ पर मैं एक वेबसाइट में बना चुका हूँ इसलिए इस तरह का डैशबोर्ड शो हो रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इसे मैं हटा करके न्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। देखिए इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको टाइटल डालना है, एक चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग, आपके ब्लॉग में जो टाइटल देना चाहते हैं वह नेम आपको चूज करना है, जैसे कि वेबसाइट वेबसाइट क्रिएटर के नाम से मैं अपना वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस आपको डालना है, एड्रेस यहाँ पर किस तरह से डालना है ये आप नोट कर लीजिए किस तरह से डालना है। अब देखिए जिस तरह से आप मैंने सेलेक्ट किया ना, उसी टाइटल से रिलेटेड मैं यहाँ पर डालूँगा, जैसे कि वेबसाइट। अब देखिए यहाँ पर नीचे बता रहा है ना, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, कोई बना चुका है इस एड्रेस पर ऑलरेडी, तो यहाँ पर बनेगा पूरा क्या, वेबसाइट डॉट ब्लॉग डॉट डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, इस तरह से बनेगा आपका एड्रेस, तो ये खाली नहीं है। तो यहाँ पर वेबसाइट CREATOR क्रिएटर, वेबसाइट क्रिएटर ये भी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर मैं कुछ और बढ़ा देता हूँ, वन ये भी अवेलेबल नहीं है, टू ये अवेलेबल है। देखिए वेबसाइट क्रिएटर 1.2.blogspot.com इस तरह का बनेगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि किस तरह से आपको, आप इस तरह से आप जितने भी हैं आप सर्च कर सकते हैं कि आप किस तरह का आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। और ये blogspot.com ये रहेगा, blogspot ऑलरेडी देता है, इसे हटाने के लिए आपको डोमेन परचेस करना होता है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वीडियो छोटा छोटा बनाऊंगा मैं ताकि एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर 1.2 खाली है, वेबसाइट क्रिएटर 1.2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम सेव कर देंगे,
वेबसाइट क्रिएटर 12.blogspot.com। जैसे कि आइडिया एक लग जाएगा आपको, मैं वैसे लंबा नहीं बनाना चाहिए, एक मैं टिप्स देना चाहूँगा कि ये जो एड्रेस आप डाल रहे हैं ना, ये लंबा नहीं होना चाहिए, 60 में, कम से कम 60 में होना चाहिए। वैसे 60 जो नेम होता है वो खाली नहीं होता है, लेकिन आप ढूँढें, आप ट्राई करें, सर्च करें कि कौन सा खाली मिल जाए। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। अब देखिए सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट क्रिएटर, और ये हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है। और बाकी के सेटिंग जो होते हैं कि गूगल में सर्च कैसे डालना, सर्च कंसोल में सबमिट कैसे करना है, अर्निंग आप एडसेंस से अपना अकाउंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना वेबसाइट कैसे उसमें जोड़ सकते हैं, पेजेस कैसे बनाना है, लेआउट कैसे करना है, थीम्स में आपको कैसे करना है, सेटिंग में कैसे करना है, ये सारी कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट। अब देखिए ये हो चुका है ना, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसके बाद आर्टिकल कैसे इसमें लिखना है और आर्टिकल को पब्लिश कैसे करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करूँगा मैं, कम से कम 5-5 मिनट का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आर्टिकल आपको लिखने के लिए न्यू पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये देखिए खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको, पिछले वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का, सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह पार्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले पार्ट में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।